अब देखिए कितना बड़ा कोबरा जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया घर के अंदर। घर के अंदर जो है काले रंग का कोबरा जो है वो दिखाई देता है, जिसके बाद स्नेक मैन ननकी को बुलाया जाता है। रसोई के अंदर देखिए, ये रसोई है और रसोई के अंदर नीचे क्रेड पड़े हुए थे, उन क्रेड के पीछे ये सांप पता लगता है। उसके बाद ननकी स्नेक मैन को बुलाया गया है, जिसकी ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए किस तरह से फन फैलाए हुए देखिए तस्वीरों में। आवाज सुन लीजिए, आप कुत्ता चुप करो। ये ब्लैक कोबरा सांप है, ब्लैक काफी खतरनाक है, ये खतरनाक सांप कोबरा है। रसोई में था जी, ये रसोई में आ गया, इनके घर से निकल के रसोई के अंदर आ गया। ये कह रहा है पहले भी था सांप लेकिन हमने देखा नहीं, लेकिन रात का सांप है ये। अच्छा, रात का इनको ना इन्होंने छिड़का नहीं, रात को सवेरे भी था इनको, मैंने फोन आया तो मैं आ गया आधे घंटे में, है ये कोबरा, इसका काटा है तो नहीं बचता। अब ये देखिए काफ़ी बड़ा सांप है और काले रंग का सांप है, और कोबरा आप देख लीजिए तस्वीरों में कितना गुस्से में ज़रूर है। देखिए काफ़ी गुस्से में है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। करनाल में देख सकते हैं, करनाल के एक घर में जो है वो दिखाई देता है। जिसके बाद आप ये देखिए स्नेक मैन ननकी को बुलाया गया और अब इसे रेस्क्यू किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें आपको ये लाइव दिखाई जा रही हैं। निवेदन आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। फिलहाल अब इसे रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए किस तरह से जो है वो काटने का प्रयास जो है वो कर रहा था, अब इसे पकड़ा जा रहा है, यहाँ से अब रेस्क्यू कर लेकर जाया जाएगा। देखिए किस तरह से काफ़ी गुस्से में ज़रूर है। देखिए किस तरह से भागता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा था, और दूसरी तरफ जो है वो चला जाता है सामान के पीछे छुप जाता है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। निवेदन आप सभी से, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। फिलहाल अब सामान के पीछे कहीं ना कहीं छुप जाता है और इसे निकालने के लिए ननकी जी देखिए आगे बढ़ चुके हैं और पीछे से पकड़ते हुए देखिए सांप को किस तरह से पकड़ा जा रहा है, और काफ़ी गुस्से में है और किस तरह से सामान के पीछे घुसता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से। अभी देखिए पकड़ लिया गया है ननकी जी, इसे बाहर जरूर ले आए। देखिए काले रंग का कोबरा जिसे पकड़ लिया गया है, फन देखिए किस तरह से फैलाया हुआ है, ये देख सकते हैं तस्वीरों में, और इसे अब रेस्क्यू ज़रूर कर लिया गया है। देखिए काफ़ी लंबा ज़रूर है, लगभग 4 से 5 फुट लंबा ये सांप होगा, और घर के अंदर था रसोई में बैठा हुआ था और फिलहाल खतरनाक सांपों में से एक सांप है, और किस तरह से रसोई में बैठा हुआ था, और कोबरा है लगभग 4 से 5 फुट लंबा ये कोबरा है, और इसे पकड़ लिया गया है ननकी स्नेक मैन द्वारा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं करनाल से, और करनाल के घर में देखा गया। उसके बाद घर वाले इसे देखते हैं कि रसोई में चला जाता है, जब इसे आप यहीं रहते हो जी, तो कब देखा गया था ये? रात को यहीं कमरे में फुसफुस कर रहा था जी, बस मैं भाई बाहर निकला यहाँ से तो रसोई में घुस गया जी, और बाहर निकले फिर ये। तो रात को नहीं बुलाया स्नेक मैन को? रात को पता नहीं चला ना, नुकसान भी हो सकता था। हो सकता था, लेकिन रात को पता नहीं चला कुछ भी, वैसे को आवाजें मुझे आ रही है बाहर की, तो बस सुबह पानी देखा एकदम बाहर निकल रही है, घुस गया। कोबरा देख लिया था आपने? हाँ, बस इसका ऐसे निकला जी, काला ब्लैक कलर का ही, बस ये तो पता नहीं, ना सीधी प्लेन ही है बिल्कुल, ये इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं मार कोई, कोबरा कैसा नहीं है कैसा नहीं है। अभी देखिए परिवार के लोगों को नॉलेज नहीं है, और फिलहाल कोबरा है किस तरह से फन फैला कर, देखिए अभी भी देख सकते हैं, काफ़ी खतरनाक सांप ज़रूर होता है, और ननकी स्नेक मैन द्वारा इसे
पकड़ जरूर किया गया है और अब इसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि कल रात से इसी घर में है, इसी घर में कल रात से है और घर वाले, उनका कहना है कि आवाज़ ज़रूर सुनी गई थी पर इन्होंने बाहर की आवाज़ समझी, पर सुबह जब रसोई में जाते देखा तो ननकी स्नेकमैन को ज़रूर बुला लिया जाता है। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, देखिए किस तरह से पीछे जो दो गोले जो हैं वो ज़रूर बने हुए हैं, इस जो नाग को पकड़ा गया है जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अब इसे पकड़ा जाएगा, इसे यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तो बचना भी नहीं है, प्योर कोबरा है जी, पीछे निशान भी है, निशान भी है, देखो ये पीछे है, इसको निशान बनाया और ये कोबरा सांप है। ये तो किस्मत है कि इनकी रात को बच गए और इन्होंने फोन किया, कहीं से इनको नंबर मिला नहीं, तो मेरा नंबर तो होना चाहिए इनको। क्या नंबर है आपका बता? मेरा 98966-36551। आप देखिए 98966-36551 देख के किस तरह से अब इसे यहाँ से लेकर जाया जाएगा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। देखिए किस तरह से अभी भी फन फैलाया हुआ है और निशान आप देख लीजिए, देखिए निशान आप देख लीजिए, पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, और उसे यहाँ से अब लेकर ज़रूर जाया जाएगा। ये देखिए किस तरह से निशान आप देख लीजिए, पीछे दो गोले के निशान आपको ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। निवेदन आप सभी से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। अब ये देखिए किस तरह से मुँह खोल लेता है और ननकी स्नेकमैन द्वारा इसे पकड़ ज़रूर लिया गया है। देखिए किस तरह से अभी गुस्से में ज़रूर है, गुस्से में ज़रूर है, उसे शांत किया जा रहा है। देखिए किस तरह से अब इसे यहाँ से पकड़ कर ज़रूर ले जाए। गुस्से में है जी, गुस्से में है ये, गुस्से में है। इस टाइम इसका काट रहा था, बचना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम। अब इसको शांत कर दिया, बच्चे की तरह इसको ले जाएंगे और जंगल में इसको रेस्क्यू कर देंगे। जहर बहुत ज़्यादा होता है, जहर होता है इसमें, कोबरा सांप है ये, इसको दिखाया भी आपको मैंने, कोबरा सांप है ये। तो शुक्र है कि रात को इनका कहीं हाथ पैर पूर नहीं पड़ा, ऊपर आ जाता तो पैर हाथ, वहाँ पर तो छेड़खानी होती, काट जाता। ये तो सवेरे देखा है इन्होंने कि इनको नंबर नहीं था, किसी को फ़ोन किया इन्होंने, फिर बताया कि भाई मेरे पास आए, मैं देवी तुरंत मैं चल दिया इनके साथ। ये गुस्सेला सांप होता है ये, हाँ बहुत कोबरा है। तो ये देखो इसका काटा है तो बचना भी नहीं, आधे घंटे में जूठ उठा देगा। तो 98966-36551 पर संपर्क करें अगर आपके घर में भी इस तरह से सांप आ जाता है, अगर आप आस पास देख लेते हैं तो। अब इसे ननकी स्नेकमैन यहां से लेकर जरूर जाएंगे, देख सकते हैं किस तरह से, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। निवेदन आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें।